आरआरएस के सेवा प्रकल्प सेवा भारती द्वारा कोरोना संक्रमण की महामारी में सेवा के उद्देश्य से करीब 18 प्रकार के अलग अलग सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। सेवा प्रकल्प की इस कड़ी में सेवा भारती द्वारा एक और नई सेवा प्रकल्प की शुरुआत की गई। आज से विकास नगर स्थित सरस्वती स्कूल में सेवा भारती द्वारा बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर से छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर में निःशुल्क ऑक्सीजन गैस भरी जा रही है। सेवा भारती से जुड़े नगर संघ संचालक डॉक्टर राजेंद्र एरन और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़े गैस सिलेंडर से छोटे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में गैस भरने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जिन कोरोना संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होगी उन्हें छोटे सिलेंडर के माध्यम से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सकेगी और उसके बाद उनका इलाज सुचारू रूप से चालू हो सकेगा। आज प्रकल्प शुरू होते ही कई मरीजों के परिजन सिलेंडर लेकर गए और सेवा भारती के कार्यों की सराहना भी की। अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी की सभी दूर हो रही है और नीमच के अंदर भी जैसे कमी हो रही है, तो इसके अंदर नीमच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के द्वारा सेवा भारती के माध्यम से मरीजों को कहाँ जहाँ कहीं पे भी हों वो यहाँ से अपने छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क भरवा के ले जा सकें, इसकी व्यवस्था की है। और क्योंकि आरएसएस सेवा भारती के माध्यम से इस कोरोना काल के अंदर लगभग सारी तरह की जो गतिविधियाँ हैं सेवा की वो कर रहा है, चाहे वो निःशुल्क राशन के अपना सब्सिडाइज यानी कम रेट के ऊपर राशन की किट देने का हो, अटेंडेंट को चाय पिलाने का हो, या बाकी किसी भी तरह का किसी भी अस्पताल के अंदर व्यवस्था का हो, सैनिटाइज करने का हो, सर्वे का हो, टीकाकरण में हो, तो उसी कड़ी के अंदर ये एक नया सेवा का प्रकल्प सेवा भारती के माध्यम से आज से शुरू किया। प्रक्रिया यही रहेगी कि जो भी आएंगे वो अपने जो छोटे सिलेंडर जो भी जिनमें उनको लगेगा वो लेके आएंगे, खाली सिलेंडर लेके आएंगे, यहाँ पर उनको भर के दे दिए जाएंगे उनको सिलेंडर। अगर किसी के पास में सिलेंडर ना हो तो वो दे देंगे? अगर किसी के पास अगर सिलेंडर नहीं है तो दे देंगे। अब उसके अंदर संबंधित व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये सेवा का कार्य है और निश्चित रूप से सिलेंडर की कीमत काफ़ी ज़्यादा है तो वो उसको समय पर लौटा दे जिससे अगले व्यक्ति के काम आ सके, क्योंकि वो ले आके घर पर रख देगा खाली तो